अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार्टअप में वी 5G। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम LCD के 2 लाइन के ऊपर डाटा कैसे राइड कर सकते हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे हम डाटा को स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है जो हमने लास्ट वीडियो में भी यूज़ की थी, ये सेम सर्किट डायग्राम आज की वीडियो में भी यूज़ करेंगे। ये LCD का डाटा पोर्ट है, D0 से लेकर D7 तक ये पोर्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट है। ये LCD की कंट्रोल पिन है, ये पोर्ट नंबर 1.0 से लेकर 1.3 के साथ कनेक्ट है। ये सर्किट डायग्राम है, ये देख सकते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसकी पोर्ट नंबर 2 के ऊपर LCD की डाटा पिन कनेक्ट है। ये LCD की कंट्रोल पिन है जो पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्ट है। ये 5K का वेरिएबल है जो इसके LCD की कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये नंबर 1 पिन ग्राउंड है और नंबर 2 पोस्ट डिस्प्लाई के साथ कनेक्ट है। 18 और 19 पर क्रिस्ट से कनेक्ट है। 9 नंबर पर रिसेट सर्किट है, 30 PF का कैपेसिटर है। तो चलिए इसका सर्किट प्रोटीज पर बनाते हैं, उसके बाद इसको कोड KL में लिख के इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए इसका कोड KL में लिखते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। ये KL का मेन पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। ये कोड मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये सबसे पहले 8051 की हेडर फाइल है, ये पोर्ट नंबर 2 के ऊपर LCD कनेक्ट है। ये LCD की 3 कंट्रोल पिन है, ये LCD का इनिशियलाइज फंक्शन है, यह डाटा कमांड सेंड करने के लिए या ये डाटा सेंड करने के लिए फंक्शन है, डिले है या सेंड डाटा है। ये LCD लेफ्ट और LCD राइट, इन तमाम फंक्शन का मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम ये 2 फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ से मेन कोड स्टार्ट होगा। मेन कोड में सबसे पहले डिले करेंगे, LCD इनिशियलाइज को कॉल करेंगे, उसके बाद LCD के ऊपर डाटा सेंड करेंगे स्टार टेक्नोलॉजी 5G, डिले करेंगे 300 का और LCD लेफ्ट को कॉल करेंगे। ये देखते हैं LCD लेफ्ट के अंदर 15 की वैल्यू हमने पुट की है। LCD लेफ्ट का फंक्शन देखते हैं,
वाइड एलसीडी लेफ्ट अनसाइन चार लेफ्ट, ये देखिए ये लेफ्ट का फंक्शन है। लेफ्ट के फंक्शन में हमने अनसाइन चार एक काउंट का वेरिएबल डिफाइन किया गया है, उस काउंट को फॉर लूप के अंदर यूज़ किया गया, उसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, काउंट लेस देन लेफ्ट है, लेफ्ट की इनिशियल वैल्यू 15 है, ये काउंट लेस देन 15 से होगा, ये काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद एलसीडी कमांड के अंदर हमने 0x18 की हेक्स वैल्यू सेंड की है, ये देख सकते हैं ये 0x18 ये देखिए ये 18 शिफ्ट द एंटायर डिस्प्ले टू द लेफ्ट, ये डाटा शीट से लिया गया है। ये 0x18 ये हेक्स कोड है जिससे इसका जो एंटायर डाटा है वो लेफ्ट में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद हमने 300 का डिले किया है, अब ये 15 टाइम डिस्प्ले को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, ये देख सकते हैं काउंट इसका 15 टाइम है, ये 15 टाइम डिले को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, उसके बाद वापस आएगा 300 का डिले करेगा और एलसीडी राइट के अंदर फिर हमने 15 की वैल्यू डाली, पहले लेफ्ट के अंदर डाली थी, अब राइट के अंदर 15 की वैल्यू डाली गई है 15 की। अब ये राइट का फंक्शन चेक करते हैं, ये राइट का फंक्शन भी सेम लेफ्ट की तरह, ये देखिए एलसीडी राइट फंक्शन, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया काउंट के नाम से, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, ये लेस देन राइट है, राइट की इनिशियल जो वैल्यू है ये 15 है, ये इसको 1x1 काउंट करेगा, एलसीडी कमांड के ऊपर 0x1c का डाटा सेंड करेगा, ये देख सकते हैं डाटा ये 1c शिफ्ट द एंटायर डिस्प्ले टू द राइट साइड, ये 01c जो डाटा होगा जब हम इसको कमांड में सेंड करेंगे पूरे डिस्प्ले को राइट के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देगा, ये शिफ्ट करेगा डिस्प्ले को, डिले करेगा, इस तरह ये 15 टाइम को डिस्प्ले को राइट में शिफ्ट करेगा, उसके बाद ये यहाँ पर आकर स्टे करेगा। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं और सर्कल में डाल के टेस्ट करते हैं, 0 वार्निंग 0 एरर, इसकी एक्सपायर जनरेट होगी, कंट्रोलर पर डबल क्लिक करेंगे, रन सबमिशन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए स्टार टेक्नोलॉजी लिखा गया है, अभी ये 15 टाइम पहले लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा, उसके बाद 15 टाइम ये राइट पे शिफ्ट होगा, फ्रेंड्स अगर आपको कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।